हमारे देश में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जो अंग्रेजों ने हमारे दिमाग में डाली कि ब्राह्मणों ने शूद्रों को पहने नहीं दिया कभी। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है और इसके आधार पर हिंदुस्तान के समाज में जो मार काट हुई है उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। एडम स्मिथ के आंकड़े बताते हैं कि मद्रास प्रेसिडेंसी में जितने गुरुकुल हैं उनमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों में 72% शूद्र हैं, 28% द्विज। द्विज समझते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य है 28% और शूद्र है 72%। और वो कह रहा है कि शूद्रों का प्रतिशत इसलिए ज्यादा है पढ़ाई में क्योंकि हिंदुस्तानी समाज में वो सबसे ज्यादा स्किल्ड लोग हैं, तो हम शूद्र कहते हैं। सबसे ज्यादा स्किल्ड, जितनी टेक्नोलॉजी है वो सब उन्हीं के कब्जे में है। ये शूद्र ही है जो स्टील बनाते हैं, ये शूद्र ही है जो घरे बनाते हैं, ये शूद्र ही है जो बर्तन बनाते हैं, ये शूद्र ही है जो कपड़ा बनाते हैं, ये शूद्र ही है जो जीवन जरूरत की सारी चीजें बनाते हैं।